नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटी की हमारी जो पहली क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने इस विषय की कुछ एक अवधारणात्मक समझ विकसित की थी, यानी कुछ एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझा था जिससे कि हमारा इस विषय में प्रवेश आसानी से सुलभ हो सके। आज की जो हमारी क्लास है वो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ उसको हम लोग कुछ एक कहानियों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, उसके डेवलपमेंट को समझेंगे। और एक बात मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इस ये जो चैप्टर है, आज की जो क्लास है, वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको विभिन्न परीक्षाओं में इससे हो सकता है कि आज अगर आधे घंटे क्लास होती है तो उसमें 50 से ज़्यादा प्रश्न आपको इस एक चैप्टर से, वो भी आज ये चैप्टर पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन आधे घंटे क्लास में आप सोच लीजिए 50 से ज़्यादा प्रश्न आपको मिल सकते हैं। तो इससे आप समझ जाइए कि ये चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो संविधान है हमारा, संविधान जब बना, संविधान हमारा लगभग मतलब 1950 में ये बन के तैयार हुआ, ठीक है, अब लागू हुआ हमारा संविधान 1950 में। तो जब ये 1950 में बन के तैयार हुआ उसके बाद से उस हिसाब से हमारे देश की शासन व्यवस्था चलने लगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि संविधान के पहले से भारत में कोई व्यवस्था ही नहीं थी, वहाँ पर जो है कुछ शासन सही ढंग से कुछ चलता ही नहीं था। तो उसके पहले भी कुछ एक कानून होंगे जो समय समय पर वो लाए गए होंगे जिसके हिसाब से शासन चलता होगा। तो ये कानून जो है वो दरअसल अंग्रेजों का शासन था उस समय, तो वो ब्रिटिश भारत के समय पर वो ब्रिटिश द्वारा जो कानून निर्मित होते थे वो कानून के हिसाब से भारत का शासन चलता था। लेकिन उसमें समस्या ये थी कि जो उन कानूनों का निर्माण होता था वो होता था अंग्रेजों द्वारा, वो चाहे भारत के अंग्रेज हों या ब्रिटेन के हों, वो जो है मतलब कानून की जो भी मसौदा तैयार होता था वो सब अंग्रेजों द्वारा ही होता था, भारतीयों का उसमें कोई रोल नहीं था। और शासन किसके ऊपर करना था? भारतीयों के ऊपर। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं क्लैश है, जिसके ऊपर शासन करना है उसकी कोई भागीदारी है ही नहीं, और ये उस देश में हो रहा था जो कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिमायती बनता था। तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी नीतियों में ही एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है। तो दोस्तों, इस क्रम में वाकया ये हुआ कि जब साइमन कमीशन भारत आया, साइमन कमीशन का काम ये था कि जो भारत में एक मतलब कुछ ऐसे जो पिछले कानून लाए गए थे उनकी प्रोग्रेस देखना और आगे के लिए क्या कानून बन सकते हैं उन पर बात करना। तो अब भारतीयों के लिए कानून बनना था और कोई बाहरी बनाए, साथ जो भी इसके सदस्य थे वो सभी बाहरी थे, मतलब विदेशी थे। तो इस पर जो है भारतीयों को आपत्ति होने लगी। दरअसल उस समय जो हमारा आंदोलन था वो काफ़ी एक परिपक्व अवस्था में पहुंच चुका था, गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश लगभग एकजुट हो चुका था और उनकी विचारधारा इतनी विकसित हो गई थी कि वो अब अंग्रेजों के कानूनों को, अंग्रेजों के स्टेप्स को चुनौती देने लगे थे। तो जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। जब विरोध किया गया तो देखिए, भारत सचिव एक थे उस समय लॉर्ड बर्कनहेड, उन्होंने कह दिया, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये सारी स्टोरी जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री में वैसे समझाई जाएगी, फिलहाल हम एक बेस तैयार कर रहे हैं। तो देखिए, जो भारत सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड, उन्होंने एक चुनौती दी भारतीयों को, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग जो आपके लिए कानून लाते हैं वो तो आप लोग मानते नहीं हो, आप लोगों के अलग अलग दल हैं, सब अपना अपना राग लापते हैं और वो कानून जो है बनाना कोई मजाक थोड़ी ना है, आप लोग समझते हो मजाक है, आप लोग इतना ही वो अगर सक्षम हो तो आप ही लोग बना के दिखाओ। तो ये चुनौती जो है उन्होंने भारतीयों के सामने रखी। उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया, उसने कहा कि हम जो है बनाएंगे ऐसा कुछ एक संविधान जो है, उन्होंने जब बर्कनहेड ने संविधान बनाने की चुनौती दी या तो उसमें जो है कांग्रेस ने उसको स्वीकार किया और एक नेहरू समिति का गठन किया, नेहरू कमेटी। तो देखिए, नेहरू समिति जो है या नेहरू कमेटी गठित की गई, और ये नेहरू जो है वो आपके जवाहरलाल वाले नेहरू नहीं है, ये नेहरू उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू हैं, मतलब मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित हुई। और इसके बल्कि सचिव जो थे वो जरूर जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन इसको आप ये मत सोचिएगा कि ये आजकल का जो वंशवाद वाला सीन है वैसा कुछ है, क्योंकि ये मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही लोग बहुत लर्नड, बहुत टैलेंटेड लोग थे, तो वो अपने योग्यता की वजह से इस पद को धारण करते थे। खैर, तो नेहरू समिति जो है वो गठित की गई, कांग्रेस और सभी दलों ने मिलकर गठन किया और सोचा कि एक ऐसा जो है हम लोग को संविधान बनाना है, ठीक है। उन्होंने ऐसा कुछ एक संविधान बनाने की कोशिश भी की, संविधान बनाया, कई सारे उसमें प्रोविजंस जो है वो लाने की कोशिश की, पर उसे अंतिम रूप नहीं मिल सका क्योंकि अलग अलग दल जो है
वो उस पर सहमत नहीं हो सके, एकमत नहीं हो सके। तो खैर वो सब क्या था, वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है, उसको हम वहीं पर छोड़ देते हैं। अपने काम की बात ये समझते हैं कि जब भारतीयों ने एक संविधान बनाने की कोशिश की तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास आ गया कि हम लोग जो है ऐसा कुछ संविधान बना सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। ये कुछ उसी तरीके से है कि आप समझ लीजिए, जैसे आप कोई पेपर देते हैं, आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके नहीं दिए और उस पेपर में आप भले ही पास ना हो पाए लेकिन आप बाउंड्री के पास में थोड़ा रह गए, मतलब जो कट ऑफ गई है उससे 5-6 नंबर 10 नंबर पीछे रह गए, तो आपके अंदर एक बहुत गजब का कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं तो पढ़ाई भी नहीं किया फिर भी मैं इतने पास तक पहुंच गया, तो मतलब अगली बार तो इस एग्जाम को मैं फोड़ ही दूंगा। तो वैसे ही कुछ कॉन्फिडेंस जो है वो भारतीयों में भी आ गया। तो जब नेहरू समिति के बाद में क्या हुआ कि 1934 में एक नेता हुए थे, वामपंथी नेता जो है M.N. रॉय। तो सबसे पहले इन्होंने कहा, M.N. रॉय ने, ये वामपंथी नेता, वामपंथी मतलब लेफ्टिस्ट जो है, लेफ्टिस्ट लीडर थे, और ये लेफ्टिस्ट आज वाले लेफ्टिस्ट नहीं है जो कि मतलब थोथे वामपंथी हैं, जो कि समझा जाता है कि अगर भारत का कोई विरोध कर रहा है तो वामपंथी है, और वामपंथी है तो वो भारत का विरोध करेगा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वामपंथ एक विचारधारा है जिसको हम लोग अपनी हिस्ट्री क्लासेस में समझ रहे होंगे। खैर अभी देखिए कि ये M.N. रॉय जो हैं वो वामपंथी लीडर थे, इन्होंने 1934 में ये कहा कि भाई हम लोग को संविधान बनाने के लिए संविधान सभा जो है वो एक निर्माण उसका किया जाए। तो संविधान सभा की सबसे पहली मांग जो है वो इन्होंने रखी 1934 में कि संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए 1934 में ही जब इन्होंने रख दी तो फिर 1934 में पार्टी के तौर पे सबसे पहले स्वराज पार्टी ने, स्वराज पार्टी हुआ करती, स्वराज पार्टी ने इसका मांग की कि हम लोग को जो है अपना संविधान बनाने की संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, 1934 में जब इन्होंने कर दिया तो फिर उसके बाद देखिए आता है 1935 में कांग्रेस, उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी, और ये केवल वास्तव में पार्टी नहीं थी बल्कि एक स्वतंत्रता आंदोलन का जो ध्वजवाहक था वो था, मतलब इसमें पूरा एक तरह से देश शामिल था, मतलब उस समय कांग्रेस में। ये आज की कांग्रेस वाला अपना समझिए कि महज एक पॉलिटिकल पार्टी थी, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन का प्रणेता था। और कांग्रेस, देखिए कांग्रेस ने भी इसको आधिकारिक रूप से ऑफिशियली इसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो कांग्रेस ने भी कहा कि भाई संविधान सभा का गठन, ये सभी लोग यही मांग कर रहे हैं, संविधान सभा का गठन किया जाए, संविधान सभा का गठन किया जाए। इसमें अगला क्रम जो आता है कि इसी में 1938 बड़े कांग्रेस लीडर जो है जवाहरलाल नेहरू, उस समय तक ये बहुत बड़े लीडर हो चुके थे, तो जवाहरलाल नेहरू 1938 में ये मांग करते हैं कि हमें संविधान सभा का गठन मतलब आपको करना होगा, और संविधान सभा का गठन जो किया जाए वो वयस्क मताधिकार के हिसाब से किया जाए, वयस्क मताधिकार के हिसाब से। तो वयस्क मताधिकार के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाए, एडल्ट सफरेज के हिसाब से। और ये वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है कि मतलब जो भी वयस्क है, यानी जो भी आज के जैसे वयस्क की जो भी परिभाषा होती है, जैसे मान लीजिए 18 साल है अभी, तो 18 साल के ऊपर जितने लोग हैं सभी को मत का अधिकार दिया जाए, मतलब सभी को वोट डालने दिया जाए। दरअसल उस समय ऐसा नहीं था, उस समय जो मतलब शिक्षित होता था या फिर जो पैसे वाला होता था उसी को केवल ऐसा अधिकार दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, तो अब ये हो गया। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर एक बड़ी घटना घटी वर्ल्ड लेवल पे कि 1939 से 45, देखिए GS ऐसा ही सब्जेक्ट है, GS में सारे सब्जेक्ट आके इंटरलिंक हो जाते हैं, और जब आप इंटरलिंक कर देते हैं तभी आपकी एक पूरी व्यापक समझ बनती है। तो देखिए 1939 से 45 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे भी फर्क पड़ा। वो क्या था कि 1939 से 45 में आपको पता है वर्ल्ड वॉर टू हुआ था, तो यानी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो ये जो है 1939 में शुरू हो गया ये, तो फिर अब इन लोग को, अंग्रेजों को ज़रूरत महसूस हुई, ब्रिटेन को ये ज़रूरत महसूस हुई कि भाई वो भारत में जो है, भारत के जो सैनिक हैं वो बहुत जाबाज होते हैं, बहुत मतलब एकदम जुनून वाले होते हैं और मेहनती होते हैं और निडर होते हैं, तो इसलिए उनको जो है अगर हम अपने साथ में ले लेंगे तो भाई वो निडर होना इस वजह से भी एक परिस्थितियों का भी खेल है। वहाँ पे क्या है कि वो ठंडे
ठंडे प्रदेश हैं, तो ठंडे प्रदेश में आदमी सैनिक आराम से जेब में हाथ डाल खड़ा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है वो परिस्थितियाँ ही कठिन हैं। मतलब आप या तो जो है सियाचिन ग्लेशियर में अगर आप ठंडे में रह रहे हैं तो वो इतनी ज़्यादा ठंडी है कि वहाँ पे अपने आप में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। इसी प्रकार से गर्मी है तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, आप राजस्थान में खड़े हैं, तो इन सभी परिस्थितियाँ ही आदमी को मजबूत बना देती हैं। पहाड़ी एरियाज है तो पहाड़ी एरिया के सैनिक और ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो यहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी थी, इसलिए सैनिक मजबूत थे, इसलिए जो है ब्रिटेन ने सोचा कि यहाँ पे अगर भारतीयों को साथ में लेना है तो उनके लिए थोड़ा सा एक लॉलीपॉप दे दो संविधान सभा का, भाई इतने समय से लोग मांग कर रहे हैं 6-7 साल से, तो उनको लॉलीपॉप दे दो। तो उन्होंने फिर एक लॉलीपॉप दिया जिसको बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगले साल ये आ गया अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव में उन्होंने कह दिया कि भाई ठीक है, आपकी संविधान सभा की मांग है, युद्ध खत्म हो जाने दीजिए, युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, ये बात उन्होंने कही। लेकिन अब जाहिर सी बात है किसी को भी ये स्वीकार होगा नहीं, ये लोग मांग कर रहे हैं अभी। अब युद्ध जो है पिछला वाला शुरू हुआ था वो 4 साल चला था, अब की बार वाला पता नहीं कितने साल चले। तो ये लोग कहे कि भाई ये जो है ऐसे नहीं चलेगा, आप जो है मतलब इसको, इन लोगों ने, कांग्रेस हो, लीग हो, सभी ने इसको खारिज कर दिया। ठीक है, सारी पार्टियों ने, तो इससे इनका काम नहीं चला। अब क्या हुआ कि फिर से जो है इंटरनेशनल जो दबाव था, इंटरनेशनल प्रेशर था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अमेरिका और ये जो हमारे ब्रिटेन, फ्रांस, तो इन सभी का दबाव ब्रिटेन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जापान जो है वो एक ऐसा देश था जो इन सबको अकेले धोए पड़ा था। जापान, जर्मनी, ये लोग मिलके, ये लोग कम देश थे लेकिन फिर भी ये लोग एकदम हावी थे और लगभग एक तरफा युद्ध चल रहा था, हर जगह ये लोग हार रहे थे। तो अमेरिका बहुत ज़्यादा दबाव बना कि भाई इंडिया को जो है आप कुछ कीजिए, वहाँ के लोगों को पर अच्छी तरीके से युद्ध में शामिल कीजिए, पूरे मनोयोग से वो शामिल हो सकें और कुछ मतलब ऐसा उपाय कीजिए। तो देखिए, जब इंटरनेशनल दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ा तो फिर उन्होंने फिर से ऐसे ही एक लॉलीपॉप लाया जो 1942 में आया, उसको बोलते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव में भी यही था, मतलब इसमें कुछ एक ऑब्वियसली ये अगस्त प्रस्ताव से बेटर होगा, कुछ एक अच्छी बातें और भी थी, मगर क्रिप्स प्रस्ताव में फिर से यही बोला गया कि भाई युद्ध के बाद जो है आपकी एक संविधान सभा का गठन होगा। तो ये जब बोला गया तो अब जो इसके और क्या क्या प्रस्ताव थे वो सारे हम लोग जो है अपनी मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग केवल वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी पॉलिटी के बेस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है क्रिप्स प्रस्ताव जब आया, इसके अध्यक्ष जो थे वो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, अध्यक्ष क्या बल्कि ये एक ही लोगों का मिशन था, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है वो आए यहाँ पर और उन्होंने कुछ अपनी वो मांग, मतलब अपने कुछ जो है विचार रखे, लेकिन अंत में उसको भी मुस्लिम लीग, कांग्रेस, सभी ने इसको खारिज कर दिया कि ये भाई हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब ये क्रिप्स प्रस्ताव हो गया। अब देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव भी जब खारिज हो गया, तो देखिए जब क्रिप्स प्रस्ताव खारिज कर दिया, यहाँ पे लोगों ने नहीं माना उसको, और बल्कि गांधी जी ने तो मजाक तक उड़ा दिया कि ये जो है एक दिवालिया होते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित तिथि है। सोचिए कितना गजब का स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि एक ऐसा बैंक जो कि लिक्विडेट होने वाला है, बैंकक्रप्ट होने वाला है, यानी एकदम दिवालिया होने वाला है, उस बैंक का ये उत्तर दिनांक यानी पोस्ट डेटेड चेक है। मतलब ये आज का चेक नहीं है कि हम उससे कुछ वसूल सकें, पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब उससे कुछ मिलने ही वाला नहीं है। तो इतना गजब का स्टेटमेंट देते हुए एक उन्होंने मजाक उड़ा दिया ब्रिटेन का, क्योंकि ब्रिटेन उस समय हार रहा था, सबको पता था कि अब वो दिवालिया होने वाला है। ठीक है, तो ब्रिटेन जो है वो अब महाशक्ति नहीं रह जाएगी, ये सबको एक अनुमान था। तो इस तरह का मजाक उड़ा दिया गया। लेकिन क्या हुआ, अमेरिका ने परमाणु बम छोड़ दिया और इनके ऊपर, जापान के ऊपर छोड़ा, तो उससे पूरा युद्ध जो है वो पलट गया। जो जापान जीत रहा था वो सरेंडर हो गया एकदम, या हम लोग अपने यूपी की भाषा में कहते हैं सिलेंडर हो गया। तो वो सिलेंडर हो गया, तो उसके बाद जो है फिर अब यहाँ पे भारतीय नेताओं को भी समझ में आ गया कि भाई वो वहाँ पे तो स्थिति पलट चुकी, अब ब्रिटेन एक जीता हुआ देश है। तो फिर उन्होंने लाया 1946 में कैबिनेट मिशन।
अच्छा इसमें भी देखिए 1900 जब वो 45 में चुनाव हुए ब्रिटेन में, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा इंटरनेशनली और भी इसको समझें कि वहाँ पे 1945 में लेबर पार्टी की सरकार बनी, ठीक है, और क्लीमेंट एटली जो है वहाँ के प्रधानमंत्री। ये चाहे तो आप लोग लिख लीजिए, जो सिविल सेवा वाली परीक्षाएं उनमें ये सब पूछ लिया जाता है। तो क्लीमेंट एटली जो है वहाँ के प्रधानमंत्री बने, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, तो क्लीमेंट एटली ने जो है वहाँ पे उस समय जो विंस्टन चर्चिल थे उनको हरा दिया, और मतलब बहुत बुरी तरीके से हराया, और ये जो है वहाँ के प्रधानमंत्री जब बने तो उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि भारत को अब हम लोग जो है कुछ एक सुधार वहाँ पर करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो वहाँ पे ये लेबर पार्टी सत्ता में जब आई तो उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा इंडिया में। तो ये कैबिनेट मिशन, इसको मंत्रिमंडलीय समिति भी बोलते हैं, तो ऐसा जो है मंत्रिमंडलीय समिति उन्होंने भेजी, इसके 3 सदस्य थे, ठीक है। और ये प्रश्न इतनी बार पूछा गया है कि मतलब क्या ही बताएं आप लोगों को। तो चलिए, 3 सदस्य इसके थे, 3 सदस्य थे इसके, जो अध्यक्ष थे वो थे पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद थे एक ये व्यापारी नेता थे ए बी अलेक्जेंडर, और तीसरे जो है वही थे जो यहां से पिछली बार गए थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो देखिए, ये पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, उसके बाद ए बी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये जो है प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कैबिनेट मिशन जो आया था इटली की सरकार ने भेजा था 1946 में, ये थे, ठीक है। इन्होंने क्या क्या अपनी बातें रखी वो हमारा अभी जो है विषय नहीं है, बस यही समझिए कि ये जो इनके आधार पे अब जो है चुनाव हमारे यहाँ होना था। क्यों होना था? क्योंकि ब्रिटेन अब एक जीता हुआ देश था, तो भारत के नेता जो है वो समझ गए कि अब बहुत ज़्यादा हम लोग की नखरे नहीं चलेंगे, तो उन्होंने इसकी कुछ एक बातों को जो है वो मतलब उनको हैप्पीली जो है स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है भाई, तो आगे तो बढ़ते हैं, चुनाव उनाव कराते हैं। तो यहाँ पे फिर एक जो है इसके माध्यम से चुनाव जो है वो होना डिसाइड हुआ, ठीक है। तो इसके माध्यम से जब कैबिनेट मिशन आया 1946 में, तो उसके हिसाब से ये तय हुआ कि भाई कैबिनेट मिशन में जो है सबसे पहली बात तो ये कि प्रांतों को और देसी रियासतों को, प्रांतों और देसी रियासतें जो हैं उनको जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए, को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए यानी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफी या पॉपुलेशन। तो प्रतिनिधित्व, और ये कितनी जनसंख्या पे होना था, तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो 10 लाख पर एक, मतलब एक सीट। तो यानी कि अगर कहीं पर जो है वो 10 लाख की जनसंख्या है, 10 लाख की जनसंख्या है, तो वहां पर एक सीट जो है उस जगह को दे दी जाएगी। तो ऐसे करके किसी भी राज्य में, मान लीजिए कोई भी प्रांत है, यूपी है, तो वहां पर 10 लाख, मान लीजिए 50 लाख है, तो 50 लाख के हिसाब से उसको 5 सीट जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए अगली बात यह है कि इसमें कुछ सीटें भी निर्धारित की गई कि ये जो सीट होंगी वो कितनी होंगी। तो देखिए सीट जो निर्धारित की गई उसमें कुल सीटें जो है वो 389 निर्धारित की गई, और ये 389 सीट जो है वो जैसे आजकल संसद में है 545 या जो भी हैं, तो वो 552 और 545 मतलब वर्तमान है, 552 जो है वो मैक्सिमम सीट्स हैं जो लोकसभा के लिए हैं, ठीक है, 250 राज्यसभा के लिए, लेकिन उस समय में ये चीज़ 389 थी, ठीक है। तो यहाँ पे 389 सीट डिसाइड की गई। अब 389 डिसाइड की गई उसमें क्या रखा गया, तो इसको 3 भाग में बांटा गया। पहला तो ये कि 292 सीट वो जो है ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में जाएगी, ब्रिटिश भारतीय प्रांत। उसके बाद जो 4 सीट है वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में जाएगी,
चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र मतलब मुख्य आयुक्त के जो मुख्य आयुक्त बोलते थे, मुख्य आयुक्त के जो डायरेक्ट अंडर में आती थी वो क्षेत्र, जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, और दूसरा एक था अजमेर मारवाड़ वाला क्षेत्र, अजमेर मारवाड़, तीसरा था कुर्ग, और चौथा था ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो ये चार ऐसे क्षेत्र थे जो कि जहां पर मुख्य आयुक्त की नियुक्ति होती थी। तो देखिए 292 सीट जो है वो आपकी ब्रिटिश भारतीय प्रांत से हो गई, 4 सीट जो है वो आपकी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से हो गई, और बाकी की जो हमारी 92 सीट्स रहीं, 93 सीट्स जो थी वो 93 सीट हो गई देसी रियासतों से। तो ये जो है 93 सीट्स हो गई देसी रियासतों से। तो देखिए यहाँ पर सीटों का बंटवारा कुछ इस तरीके से कर दिया गया, 292 और 4 और 93 सीट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सीट का बंटवारा ऐसे हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि चुनाव कैसे होगा, इसमें जो कैबिनेट मिशन ने सारी बातें रखी थी वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तो सदस्य थे, ये बताया गया कि 10 लाख पर लगभग एक सीट का निर्धारण होगा। फिर सीट जो है वो जोड़ दी गई कि भाई 389, 292 जो है ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ये प्रांत जो है वो गवर्नर के अधीन होते थे, ठीक है। जैसे यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, नहीं राजस्थान नहीं, यूपी, एमपी, बिहार और महाराष्ट्र आपका हो गया, उड़ीसा हो गया, तो ये सारे प्रांत जो थे, बंगाल, ये सब वो आपके ब्रिटिश भारतीय प्रांत होते थे। चार जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होते थे, और साथ में देसी रियासतें, राजस्थान की कई सारी रियासतें थीं, हैदराबाद था, कश्मीर था, तो ऐसे करके कई एक रियासतें थी। तो वो आपका जो है उस हिसाब से सीटों का बंटवारा हो गया। उसके बाद देखिए चुनाव किस आधार पर होगा, तो चुनाव के बारे में जो है वो भी डिस्कस हुआ। तो देखिए सबसे पहली बात कि चुनाव जो नेहरू जी ने मांग रखी थी कि वयस्क मताधिकार वाली, तो यहाँ पर वयस्क मताधिकार को नहीं माना गया, ये आप ध्यान रखिएगा कि वयस्क मताधिकार नहीं था, ये अच्छे से याद रखिएगा कि वयस्क मताधिकार नहीं था यहाँ पर। क्या था तो ये जो है आपका जो कर, शिक्षा, संपत्ति, इस आधार पर जो है वोट दिया गया था, के आधार पर मताधिकार था, ठीक है। आगे आप लोग लिख लीजिएगा कि वयस्क मताधिकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था यहाँ पे, वयस्क मताधिकार नहीं दिया गया था, बल्कि जो लोग टैक्स पे करते थे, जो लोग पढ़े लिखे थे, जो लोग जो है अच्छी खासी जिनके पास संपत्ति थी, उनको ही केवल मत देने का अधिकार दिया गया, इनको चुनने का अधिकार दिया गया। उसका कारण ये था कि उस पर इन लोगों ने कहा कि भाई इसमें अभी बहुत विलंब लगेगा और संविधान हम लोग को जल्दी चाहिए, इसमें विलंब लगेगा, तो इसलिए आप जो है अभी इसको हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इस पर उन लोगों ने ये बात नहीं मानी, ठीक है। तो ये चुनाव, दूसरी बात ये कि ये अप्रत्यक्ष होना था। अप्रत्यक्ष का मतलब, अप्रत्यक्ष का मतलब ये है कि जो पब्लिक है, जो भी ये लोग थे, पब्लिक जो थी वो डायरेक्ट इन सदस्यों को नहीं चुनने वाली थी कि 389 सदस्य वो लोग डायरेक्ट चुनने जाएं, बल्कि ये लोग अपने अपने विधानसभा में ये लोग वोटिंग करते, वहाँ से जो सदस्य चुने जाते हैं विधानसभा में वो जो है फिर इन लोग को चुनते। तो मतलब इनडायरेक्ट था, पब्लिक जिनको चुनती, वो लोग जो है वो छोटा सा ग्रुप होता, वो आगे जाके ऐसे कुछ एक लोगों को चुनता, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ये इन अप्रत्यक्ष जो है चुनाव हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली थी। एक बात ये भी देखिए कि इसमें जो सांप्रदायिक निर्वाचन की भी व्यवस्था थी, मतलब जो मुस्लिम थे, मुसलमान और सिख, मुसलमान और सिख जो है उन लोग का निर्वाचन अलग होता था, और ये जो सामान्य थे, मतलब इनके अलावा, मुसलमान और सिखों के अलावा उनका अलग होता था। मतलब मुसलमान को वोट केवल मुसलमान ही डालते थे, सिखों को वोट केवल सिख ही डालते थे, ऐसी कुछ व्यवस्था जो है वो अंग्रेजों ने पहले के समय में बांटो और राज करो की नीति के अंतर्गत जो भारतीयों के मध्य में ऐसा कुछ विष के बीज बोए थे ताकि भारतीय जो है अलग थलग रहें, और ये इसी को बोलते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, ठीक है, कॉम्यूनल इलेक्शन जो बोल सकते हैं। तो ये जो है मुसलमान सिख अलग वोट डालते थे और बाकी में सब आ जाते थे, ठीक है। तो इस टाइप के आधार पर जो है वो मतदान यहाँ पे हुआ था कि मतलब
का अलग अलग मतदान कह सकते हैं, का अलग अलग मतदान हुआ था, ठीक है। इसी को बोलते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, ठीक है। तो ये आपका हो गया, थोड़ा सा हम मिटा देते हैं ऊपर से। तो देखिए, चुनाव जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था, ये जो है कर शिक्षा संपत्ति जिनके पास थी उन्हीं को केवल इसमें भाग लेने का मौका दिया गया था। उसके बाद देखिए कि अप्रत्यक्ष जो है वो था, और तीसरी बात ये कि ये मुसलमान सिख सामान्य के हिसाब से अलग अलग ग्रुपों में बटा हुआ था। अब देखते हैं कि चुनाव जब हुआ, ये करीब आपका चुनाव हुआ था जून जुलाई 1946 में हुआ था। इधर लिख देते हैं, उधर लिखते नहीं बन रहे। तो जून जुलाई 1946 में यह चुनाव हुआ, ठीक है। अब चुनाव हुआ तो उसके बाद रिजल्ट क्या रहा, तो रिजल्ट देखिए ये रहा कि कांग्रेस उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी। तो और चुनाव जो होगा वो किन सीटों पे होगा, एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, ये जो है मतलब जो चुनाव हुआ था वो पूर्ण रूप से निर्वाचित नहीं था, उसमें नामांकित भी थे। मतलब इनमें देखिए कि निर्वाचित के साथ में निर्वाचित भी थे और नामांकित भी थे। नामांकित क्या होता है, तो देखिए निर्वाचित का मतलब कि तो चुनाव हो रहा है उसके माध्यम से। तो ये जो थे ब्रिटिश भारतीय प्रांत 292 सीट, इनके लिए चुनाव होगा। चार जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे इनके लिए चुनाव होगा। लेकिन ये जो 93 देशी रियासतें थे इनके लिए चुनाव की व्यवस्था नहीं थी, वहां पे उनके राजा का बहुत ज्यादा जो एक प्रभाव क्षेत्र होता था, तो इसलिए वहां पर चुनाव कराना इतना आसान नहीं था। तो वहां पर क्या हुआ कि राजा ने अपनी तरफ से ही एक अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया कि आप हमारे जो है इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कीजिए। तो वहां पर जो है राजाओं ने जो प्रतिनिधि नियुक्त किया वो जो है नामांकित कहे जाते हैं, मतलब नाम अंकित, कि मतलब नाम अंकित करके मार करके आगे भेज दिया उन्होंने। तो ये निर्वाचित भी थी और नामांकित निकाय भी थी। ये भी प्रश्न आता है कि क्या ये पूर्णतया निर्वाचित थी, तो ऐसा नहीं था, ये निर्वाचित भी थी नामांकित भी थी। जून जुलाई में जो है जून जुलाई 1946 में इसका चुनाव हुआ, जो रिजल्ट इसका आया कांग्रेस उसमें जो है 208 सीट लाई, ठीक है, कांग्रेस के आई 208 सीट। अब देखिए 93 ये जो है मुस्लिम लीग की यहाँ पे आई, मुस्लिम लीग की आई 73 सीट, अदर्स की आई 15 सीट। अदर्स या फिर जो अगर कोई अपना स्वतंत्र रूप से चुना गया, वो छोटी छोटी जो पार्टियां थी वो 8, 5, 13, 3, 16, ठीक है। तो ये हाँ 96, तो ये आपका हो गया, कांग्रेस को मिली 208 सीट, मुस्लिम लीग को मिली 73 और ये अदर्स को मिली 15 सीट, ठीक है। तो ये जो है चुनाव का रिजल्ट रहा। अब चुनाव का रिजल्ट ऐसा रहेगा तो मुस्लिम लीग वो जाहिर सी बात है हतोत्साहित तो हो ही जाएगी, और दूसरी बात ये है कि मुस्लिम लीग को वैसे भी जो है मतलब ये इतनी जो सीटें मिल भी गई वो इस वजह से मिल गई क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन था, यानी मुसलमान ही मुसलमान को वोट दे रहे थे। अगर जो है यहाँ पर सांप्रदायिक ना होता तो शायद उतनी भी सीटें यहाँ पर ना मिलती, खैर वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो है रिजल्ट आया, कांग्रेस जो है वो मेजॉरिटी में थी, क्लियर मेजॉरिटी में थी। तो इसके बाद एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, मतलब जब तक संविधान बन रहा है तब तक एक कोई तो सरकार इंडिया में होनी चाहिए, क्योंकि तब तक ये लगभग एक हो गया था कि अब जल्दी ही स्वतंत्रता भारत को दे दी जाएगी, ठीक है। तो एक अंतरिम सरकार का गठन होता था और साथ में एक संविधान सभा का भी गठन होना था, मतलब संविधान सभा का गठन इसी आधार पर होना था। तो यहाँ पे देखिए दो काम होने थे रिजल्ट के आधार पर, दो काम होने थे, एक संविधान सभा और दूसरा अंतरिम सरकार का गठन, तो इसके बाद हुआ ये कि इसका जो अगला स्टेप ये है कि जो 9 दिसंबर 1946 ऐतिहासिक तिथि है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक के लिए बुलावा दे दिया गया। मतलब संविधान सभा की जो पहली बैठक होगी उसका डिटेल बुला दी गई, मतलब यहाँ पर जो है इन लोग कहा गया कि पहली बैठक में हम लोग
संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू कर रहे होंगे, इसमें आप लोगों को उपस्थित होना है। और 9 दिसंबर को जैसे बुलाया गया था वैसे ही अब आप लोग भी अगली क्लास में आइएगा, तब हम लोग 9 दिसंबर से आगे की गतिविधि देखेंगे कि आगे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई। आज के लिए जो क्लास में था वो इतना ही। आज हम लोगों ने समझा कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उसकी क्या क्या एक डेवलपमेंट था उसको भी समझा, और इसमें कई सारे प्रश्न ऐसे हैं। देखिए जैसे अब सीट हो गया, सीट टोटल सीट कितनी थी ये भी इम्पॉर्टेंट है, 292 सीट ये जो है मतलब ब्रिटिश भारतीयों के लिए कितनी सीट थी, 292 सीट थी, कितने ब्रिटिश प्रांत थे तो ये 11 थे, ठीक है, ये सभी गवर्नर के अधीन होते हैं तो 11 ब्रिटिश प्रांतों में 292 सीट बांटी गई। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे तो 4 थे, इनको 4 सीटें मिली, कौन कौन से थे ये भी प्रश्न बन जाता है। देसी रियासतें कितनी थी तो 93 सीटें इनको मिली थी, ठीक है। उसके बाद जो है ये चुनाव जो है वयस्क मताधिकार पर हुआ था कि नहीं ये प्रश्न बन जाता है। अब प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था कि प्रत्यक्ष, ये तो PCS में भी पूछा गया प्रश्न है। फिर उसके बाद सांप्रदायिक रूप से अलग अलग हुआ था कि वो मतलब एक सामान्य निर्वाचन हुआ तो नहीं सांप्रदायिक रूप से हुआ था। उसके बाद देखिए कि निर्वाचित भी थी या नामांकित भी थी, क्योंकि कुछ सदस्य जो है वो मनोनीत किए गए थे, मनोनीत भी कह सकते हैं, नामांकित को हम लोग मनोनीत भी कह सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं, एक्चुअली पूछे जाते हैं। कांग्रेस को कितनी सीट मिली ये भी पूछा जाता है, मुस्लिम लीग को कितनी मिली ये भी पूछा जाता है, ठीक है। फिर पहली बैठक कब हुई तो ये भी पूछा जाता है, ये हम लोग अगली क्लास में अध्ययन कर रहे होंगे कि पहली बैठक कब हुई क्या, और इसके पहले भी आपने जो बातें हमने यहाँ मिटा दी वो सारी प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हमने एक स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को ये समझाया कि कैसे कैसे संविधान का डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे मांग उठी, और प्रश्न वहीं से बनते हैं कि नेहरू कमेटी के बाद जो MN रॉय ने कब ये मांग रखी, सबसे पहले किसने रखी, तो MN रॉय ने एक पार्टी के रूप में सबसे पहले किसने रखी, स्वराज पार्टी ने। कांग्रेस ने कब इसकी मांग को स्वीकारा, 1935 में। वयस्क मताधिकार की मांग सबसे पहले किसने रखी, नेहरू ने 1938 में। फिर उसके बाद अगस्त प्रस्ताव कब आया, 1940 में आया, 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया, 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया तो वो उस समय में किसकी सरकार थी, तो लेबर पार्टी की सरकार थी, क्लीमेंट एटली जो है प्रधानमंत्री थे, उन्होंने विंस्टन चर्चिल को लाया, ये हालांकि ज़रूरी नहीं है उतना, लेकिन जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि जो कैबिनेट मिशन था वो कितने सदस्य था, तो 3 सदस्य था। कौन उसके अध्यक्ष थे, तो पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो उसके अध्यक्ष थे, और अन्य सदस्य कौन थे तो AB अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो मतलब आपके उसमें बहुत ज़बरदस्त प्रश्न, कम से कम 50 से ज़्यादा प्रश्नों का डिस्कशन आज की इस क्लास में हुआ है, और साथ में एक हम लोग कहानी भी समझें कैसे इंटरनेशनल प्रेशर भी था इंडिया के ऊपर, मतलब ब्रिटेन के ऊपर, कि वो जो है इन सारी गतिविधियों को हुआ, साथ में भारत का जो अपना राजनीतिक आंदोलन जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसका भी एक डेवलपमेंट था जिसकी वजह से हम लोगों को ये कुछ एक सफलता मिली। तो इसके आगे जो है कैसा हमारा संविधान जो है कैसे कैसे बना, और फिर वो कैसे कैसा बन के तैयार हुआ, यानी संविधान की विशेषताएं, ये हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल आपके लिए इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।